दोस्तों नमस्कार जोहार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपसे एक बहुत बड़ी खबर के बारे में बात करने वाला हूँ। ये है बिहार से जुड़ी हुई, और बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार को बदनाम करना चाहते हैं। हम उनको आज उनका भी पर्दाफाश करेंगे। उसमें एक बहुत बड़ा नाम है विनय दुबे का, कि विनय दुबे किस तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर तीन चार खबरें डेली का डेली दो तीन खबर आना तय था, लेकिन वो खाना खाने भूल सकते थे, मनीष कश्यप के ऊपर खबर बनाना नहीं भूल सकते थे। लेकिन आज पूरा 6 दिन बीत चुका है, 6 दिन पहले मनीष कश्यप एक बयान दिए थे बिहार से तमिलनाडु जाते वक्त, लेकिन उस वक्त का बयान अभी तक 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन में विनय दुबे का एक भी वीडियो नहीं आया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको वीडियो कैसा लगेगा मुझे बताइएगा लास्ट में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आप इन लोगों को पहचान सकते हैं कि किस तरीके से बिहार को तोड़ने के लिए जितनी सारी वीडियोज हो सके उतनी सारी वीडियोज बना दी। देश को तोड़ने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए, हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए विनय दुबे जैसे लोग किस तरीके से वीडियोज बनाते थे। और कहीं ना कहीं जब मनीष कश्यप बयान देते हैं कि हमारे देश के नेताओं पर मुझे भरोसा नहीं है, बिहार के नेताओं पर भरोसा नहीं है, हमें बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस पर पूरा भरोसा है, इसके बाद ये वीडियो जी ने बनाया, क्योंकि इसमें इनको कहीं ना कहीं वोट बैंक नहीं दिख रहा था। क्योंकि मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये आदमी है कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीति से बहुत बड़ी इनका हाथ है, पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा हाथ है। तो इसके लिए आपको ये सारे खबर नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बिहार की बात हो रही है, बिहार की पुलिस की अच्छाई की बात हो रही है, तमिलनाडु पुलिस की अच्छाई की बात हो रही है, इसलिए ये लोग ऐसे आपको वीडियोज नहीं दिखाएंगे, नहीं बनाएंगे। लेकिन आपको पहचानने की जरूरत है कि ये सारे लोग है कौन, ये महाराष्ट्र का, फिर बिहार पुलिस के अंदर तमिलनाडु में क्या, उसको बोलने का क्या जरूरत है, क्योंकि इसका महाराष्ट्र में जम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में इसको कोई नेता इसे टिकट तक नहीं दे रहा कि आप मेरे सीट से लड़ो। इसके लिए अपना राजनीति नॉर्थ इंडियन में जमाना चाह रहे हैं, नॉर्थ इंडियन को बर्बाद करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसे लोग हैं जब इनका चैनल खोलेंगे तो आपको इसे इनके जो वीडियोस मिलेंगे वो हमेशा सनातन विरोधी, देश विरोधी, या फिर मतलब समझ रहे हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला खबर मिलता है। मुझे विनय दुबे से कोई परेशानी नहीं है ना किसी और से परेशानी, बट मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इंसान इतने सारे वीडियोज बना रहे थे, जो अपने आप को सोशल वर्कर बता रहे थे, आखिर आज उसको क्या हो गया है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विनय दुबे से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए विनय दुबे जी और जो उनको समर्थन करते हैं वो सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ। लेकिन मुझे उन लोगों से कोई परेशानी नहीं जिनको समर्थन करते, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका अपना हक है, देश में लोकतांत्रिक है देश में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ विनय दुबे से, तो आप भी पूछिए कि आखिर विनय दुबे जी मुझे ये बता दीजिए कि मनीष कश्यप के ऊपर अभी तक वीडियोज क्यों नहीं आए, ये बयान के ऊपर अभी तक आपका कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि हाँ जिस तरीके से मनीष कश्यप बोला है उसके बाद ऐसे लोग, सिर्फ विनय दुबे के साथ कई सारे यूट्यूबर हैं, कई सारे लोग हैं जो चुपचाप बैठे हैं। इसे पता चलता है कि जब देश में अच्छाई काम होता है, जब देश में देश का भले के लिए कोई बात होती है, जब देश के भले के लिए कुछ काम होता है, तो ये सारे लोग सो जाते हैं, कहाँ बैठ जाते हैं पता नहीं, कहाँ घुस जाते कौन सा बिल में पता नहीं। लेकिन दोस्तों आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, ये तो ऐसे लोग तो ऐसे आते हैं, जब कुत्ता हाथी चले बाजार में तो कुत्ता भौंके हजार, ये आपने सुना ही होगा। और जब ये मनीष कश्यप रास्ते में चलते हैं ना, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे विनय दुबे ऐसे लोग हैं जो बहुत भौंकते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन आप सबको मनीष कश्यप के ऊपर गर्व करना चाहिए, क्योंकि अभी भी टाइगर जिंदा है, अभी भी शेयर जिंदा है। जब शेयर मार्केट में चलता है ना तो मार्केट हिलता है, सब देखने के लिए आ जाते हैं। कुछ लोग शेर को खराब बोलते, कुछ शेर को अच्छा बोलते, कुछ शेर को डराने वाले बोलते, कुछ शेर का देश का शान बोलते, तो आप जैसे मान सकते हैं, शेर का बहुत सारे डिफिनेशन अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाइगर अभी जिंदा है, जब टाइगर लौट के आएगा ना तो पूरे बिहार में किस तरीके से खलबली मचेगा आप देखिएगा। जब उस आपको पता है, जब जंगल में कभी भी आपके कोई पिंजरे से टाइगर बाहर आता है, जब भी जंगल में छोड़ा जाता है, उसका हुंकार देख के पूरा जंगल हिल बैठता है, पूरा जंगल में तहलका मच जाता है। और आज मनीष कश्यप के साथ वही हुआ है, मनीष कश्यप बहुत जल्द वापस आएंगे और आपके बीच, हमारे बीच बहुत जल्द वापस आएंगे। उसके बाद जो बिहार की राजनीति है उसमें कुछ अलग बदलाव देखने को मिलने वाला है, तो आप फिक्र मत कीजिए। और उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, और ऐसे लोगों को पहचानिए जो लोग देश विरोधी काम करते, सनातन विरोधी काम करते, जो लोग कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की बात करते, जो हिंदू मुसलमान की बात करते, उन लोगों को पहचानिए। कहीं ना कहीं इसका जवाब मनीष कश्यप, इनका जवाब कहीं ना कहीं विनय दुबे को देना चाहिए कि आप इनके ऊपर वीडियोज़ क्यों नहीं बनाए। जो इंसान सबके ऊपर वीडियो बनाता था, आज इनके ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाए। और ये सब देख के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार हित में काम नहीं कर, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान को एक साथ रखना नहीं चाहते, इसीलिए इनके ऊपर कोई वीडियोज़ नहीं आया, क्योंकि वो मनीष कश्यप पर जो वीडियोज़ था, ये जो उनका बयान था, सबसे हटके था। तो जय हिंद दोस्तों, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।